नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीषा विलेज फूड चैनल में। दोस्तों आज मैं अपने मायके आई हूँ, तो यहाँ का कुछ लोकेशन दिखाती हूँ। तो आइए चलिए दिखाते हैं। दोस्तों हमारे मायके में बहुत खेती की जाती है। ये देखिए यहाँ पर खीरा लगाया हुआ है और खीरा फले हुए भी हैं। अभी मैं तोड़कर दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए दोस्तों, तो अभी मैं और सब्जियाँ दिखाती हूँ जो कि यहाँ पर लगाई गई हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे चाचा का लड़का बैठा हुआ है और इधर आप सब देख रहे हैं कि गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों आइए हम दिखाते हैं, यहाँ पर हमारा पाही बना हुआ है, यहाँ पे लोग रहते हैं, रहकर खेतों की देखरेख करते हैं और यहाँ पर मशीन भी लगा हुआ है। आइए दिखाते हैं आप सबको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ मकान भी बने हुए हैं और यहाँ पे लोग रहते हैं। आइए दिखाते हैं आप सबको, अंदर से भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मशीन है दवा छिड़कने वाला, इससे दवा की छिड़काव की जाती है। और ये देखिए एक और मशीन है, इससे भी दवा छिड़का जाता है। ये देखिए दोस्तों हमारे घर के पीछे का हिस्सा है और यहाँ पर मशीन लगा हुआ है, यहाँ से पानी गिरता है और चारों तरफ जो खेत हैं आप सब देख रहे हैं, बहुत ही हरियाली है इधर, तो खेतों की सिंचाई इसी मशीन से की जाती है। और देख रहे हैं कि चारों तरफ बहुत ही हरियाली है, सभी खेतों में सब्जियाँ लगाई गई हैं। और इधर के जो खेत दिखाई दे रहे हैं सब हमारे ही खेत हैं और सभी खेतों में तरह तरह की सब्जियां लगाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर अनार के पेड़ लगे हैं और यहाँ पर भी अनार है और अनार के कुछ फूल हैं, ये देखिए, और इधर फले हुए भी हैं अनार। ये देखिए मौसम्बी है और इधर पपीता लगा हुआ है, इधर बहुत सारे छोटे छोटे पपीते लगे हुए हैं। ये देखिए संतरा है और इसमें फला हुआ भी है, ये देखिए कितना बड़ा है, कितना सुंदर। ये देखिए यहाँ पे जो पेड़ है ये बंगाली नेबुआ है, अभी इसमें फल नहीं आए हैं, हो सकता है अगले साल इसमें फल लग जाएं और यह बहुत बड़ा बड़ा फलता है। ये देखिए एलोवेरा है, बरसात के मौसम में बहुत ही हरा भरा हो गया है और नीचे से देख रहे हैं छोटे छोटे कई सारी एलोवेरा निकल रही हैं, कुछ ही दिनों में बहुत सारे एलोवेरा यहाँ पर हो जाएंगे। ये देखिए हल्दी है और इधर सूरन भी लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर बंडा लगा हुआ है,
ये देखिए दोस्तों, कद्दू के फूल लगे हुए हैं और इसमें छोटे फल भी हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं आप सबको लेकर लौकी के खेत में, और देखिए सब लौकी फले हुए हैं। और इधर हम मरचा के खेत में लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए कितने अच्छे से मरचा लगाया गया है, एकदम लाइन बाय लाइन लगाया गया है और इसमें फल भी लगे हैं। आइए हम आप सबको तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों कैसा रहा हमारा गांव का वीडियो, आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो करिए लाइक और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।